दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की प्लेनरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर सोल के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बैठक पर भारत सहित पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। इस बैठक से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को एनएसजी की सदस्यता मिलने पर मुहर लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका सहित 5 देशों के दौरे के बाद एनएसजी में भारत के प्रवेश को लेकर दुनिया भर में सकारात्मक माहौल बना है। चीन के ताज़ा रुख ने भारत की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि एनएसजी में भारत और दूसरे परमाणु अप्रसार संधि वाले देशों के प्रवेश पर चर्चा जारी है। रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खास तौर से कहा कि चीन एनएसजी में भारत के प्रवेश का विरोधी नहीं है, बल्कि उसे अपने पक्ष में करने के लिए सहमत करने की जरूरत है। इससे पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने भी एनएसजी के सभी पक्षों को राजी करने के लिए अधिवेशन से पहले बीजिंग और सियोल का दौरा किया था।